सो वेरी वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति की। ठीक है, त्रिकोणमिति की जो क्वेश्चंस आती है बिहार पॉलिटेक्निक के अंदर, उस क्वेश्चंस के पहले कंसेप्ट को समझेंगे और कंसेप्ट समझने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे इसके एग्जांपल्स को, किस तरह से क्वेश्चंस आती है, उसके मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे। और आपका जो 2022 के क्वेश्चंस आए हुए थे पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम्स में, उस क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग को पढ़ना क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंदर क्या क्या पढ़ना है पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है, इस चीज़ को भी छोड़ देते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। वैसे देखिएगा, त्रिकोणमिति मतलब होता है ट्राई, मतलब होता है थ्री, ठीक है, और मैट्रिक मतलब होता है माप, मतलब तीन माप। ठीक है, तीन कोणों का माप या रेशियो को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। अभी हम समझाएंगे आपको कि क्या ये रेशियोज होता है। इसके अंदर जो टॉपिक हम लोग को कवर करना है, पहला टॉपिक आएगा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति फलन या अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति फलन या अनुपात, फलन मतलब हो गया फंक्शन। दूसरा टॉपिक हम लोग को कवर करना है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में त्रिकोणमितीय सर्वसम्मितिकाय। ठीक है, तीसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, वो है रिलेशन बिटवीन द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ठीक है, जो पहले आप टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुपात, उसके बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होगा पिछले साल का, उस क्वेश्चन को लगाएंगे। और एक मॉडल पेपर जो होगा त्रिकोणमिति के अंदर, जो मॉडल पेपर होगा उस हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, तो यही चार टॉपिक अगर आप करके जाते हैं तो आपका 4 से 5 क्वेश्चंस आपका बीपीएससी बिहार पॉलिटेक्निक में अगर क्वेश्चंस आती है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक देखिए, पहला टॉपिक है आप लोगों को जो पढ़ना है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात पहले जानते हैं होता क्या है। देखिए, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या ये एक समकोण कोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज भुज ए बी और सी। इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज क्या होता है कि एक कोण क्या होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए तभी हम लोग बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज। तो इसमें देखिएगा कौन सा कोण 90 डिग्री है, जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपका बी कोण को देखिएगा तो कितना है 90 डिग्री है। देखिए 90 डिग्री है ना, तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो इतना याद रखिएगा, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है हमेशा, तो 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे बी कोण क्या है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात है, एंगल क्या होता है कि दो लाइनों के बीच का एंगल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। तो इसी थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, कोण। ठीक है, कोण या एंगल। ठीक है, कोण। इसमें देखिए आप समझने वाली बात क्या क्या है, तीन चार चीजें याद रखिएगा कि जो एंगल आप निकाल रहे हैं उसके सामने वाले को हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक है, सामने वाले ट्राइंगल के साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, भुजा को, ये लंब है। देखिए एंगल ये है तो इसके सामने में कौन सा पड़ा, ये, तो ये कहलाएगा लंब। इसके जो साथ में होगा उसको हम लोग बोलते हैं आधार, बोलेंगे हम लोग आधार। ठीक है, और ये वाला सबसे बड़ा साइड वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इतना याद रहेगा, तीन चीज़ याद रखिएगा, जो एंगल आप जो ले रहे हैं उसके सामने वाले को हम लोग बोलते हैं लंब, जो आपके उसके साथ जुड़ा हुआ उसको आधार, और इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। इंग्लिश में देखिएगा तो ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये होता है बेस, और ये होता है आपका हाइपोटेनस। तो इसको हम लोग दिखा देते हैं बी से, तो बी फॉर बेस, परपेंडिकुलर पी से, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस एच। ठीक है, तो डैट मीन्स हुआ जो आपका ट्राइंगल था, ट्राइंगल का भुजा का लेंथ हो गया ये। ठीक है, भुजा का लेंथ हो गया ये सब, ये ट्राइंगल ये है,
ठीक है, यही ट्रायंगल है ऊपर में बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये भुजा का लेंथ हो गया, ये था ए बी सी, क्या बता रहे हैं, ये हो जाएगा बेस, इसको हम लोग लेंथ मान लेते हैं कितना बी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका जो लंब है वो है पी, और जो आपका ये कर्ण है उसका लेंथ है कितना, लंबाई है वो है एच। तीन चीज हो गया। आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय एक होता है, पाइथागोरस ठीक है प्रमेय, ये क्या होता है, ये एक प्रमेय कहता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होना चाहिए कर्ण के स्क्वायर के। ठीक है, डैट मीन्स हुआ यहाँ पे देखिए लंब कितना है बी, पी पी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका बी है, बी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए कर्ण का स्क्वायर कितना है एच। तो यही आपका है पाइथागोरस प्रमेय, इस पॉइंट को आप थोड़ा याद रखिए। ठीक है, आप चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट करते हैं, यहाँ तक समझ गए क्या हो गया ये, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रायंगल था ये, ठीक है, ठीक है, यही ट्रायंगल था आपका, ये था ए बी सी। अभी तक क्या क्या समझे, ये होता है आपका आधार, ठीक है, ये था आपका ठिट्टा, तो ये हो गया आपका लंब और ये था आपका कर्ण। अब इसका आधार का लेंथ क्या बता दिए थे बी, लंब का लेंथ कितना है पी और कर्ण का कितना लेंथ है एच। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ गया था हमारा रिलेशन, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो इस रिलेशन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इसी को अगर कोई लिखना चाहता है कि बी स्क्वायर बराबर कितना होगा तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या कोई लिखना चाहता है आपका पी स्क्वायर कितना होगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो तीनों रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, आपको दूसरे चैप्टर में भी काम पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले क्या है कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होती है, आप जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, देखिए अनुपात किसको बोलते हैं, इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है एक होता है साइन थीटा, अभी याद रख लीजिए साइन थीटा, ठीक है, एक होता है आपका कॉस थीटा, फिर होता है आपका टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है ये साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है, ये रिलेशन। इसके बाद होता है आपका टेन थीटा, टेन थीटा तो हो गया कॉट थीटा, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा आपका होता है कॉट थीटा, इसको हम उल्टा कर सकते हैं वन बाय होता है ये टेन थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा इसका रिवर्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये सब बराबर होता है। इसके बाद दो और होता है, एक होता है सेक थीटा, सेक थीटा होता है रिवर्स किसका कॉस थीटा का, और एक लास्ट होता है आपका कॉस सेक थीटा, ठीक है, ये होता है वन बाय साइन थीटा। तो आपको अभी से याद रखना पड़ेगा ये कितना है, देखिए एक ठीक है दो तीन चार पाँच छः, तो छह फंक्शन है, यही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन, इस टोटल को क्या बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, या इंग्लिश में बोलिएगा इसको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है यही है। यही आपको छह फंक्शंस के बारे में आपको आगे पढ़ना है। अब अगले टॉपिक आता है कि रेशियो क्या था, ठीक है, ये तो समझ गए, इसके बाद था अगला कि रेशियो क्या है,
रेशियो समझने के लिए फिर से ट्रायंगल देखना पड़ेगा कि ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं कि रेशियो क्या था। ये था आपका लेंथ विड्थ और आपका ये, ठीक है, ट्रायंगल था। इसे पॉइंट दे देते हैं फिर से, ये है ए बी सी, ये एंगल कितना था थीटा, ये लेंथ था बी, आधार था ये। ऐसे पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा सब, ठीक है। ये पी और ये आपका था कर्ण, कितना था ये एच, ठीक है। तो आप देखते हैं रेशियो क्या होती है। अभी तक हम लोग क्या समझे हैं, देखिए अभी तक क्या समझे कि पहले हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तीन चार टॉपिक ही पढ़ने हैं हम लोग को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके सम ये रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बीच का रिलेशंस क्या है, संबंध क्या है, ये तीन चार टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो रेशियो के अंदर क्या बताया आपको कि एक ट्रायंगल से पहले, उससे पहले हम लोग डिस्कशन किए कि एक समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। फिर अगर कहीं पे कोई समकोण त्रिभुज है तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होना चाहिए कर्ण के स्क्वायर का। अगर मान लीजिए आधार यहाँ पे है, लंब है पी, आधार है इस फिगर में देखिएगा बी, और कर्ण है आपका एच, तो यहाँ इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके बराबर होना चाहिए, एच स्क्वायर के बराबर। इतना तक पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग आ गए इसके फंक्शंस पर। त्रिकोणमितीय फंक्शन में आपका टोटल 6 फंक्शन होता है, नाम याद रखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। आगे जानेंगे कि रेशियो क्या है, ठीक है। टेन थीटा में एक और ट्विस्ट है, रिलेशन आ गया कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा। अगर ये है कॉट थीटा 1/10 है, तो टेन थीटा कितना था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसके बाद एक होता है सेक थीटा, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, तो 1/cos थीटा। और कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, साइन थीटा का उल्टा। तो आपको बस ये 6 चीज़ें याद रखनी है और इसी 6 की चीज़ें पे हम लोग पूरे काम करेंगे। तो याद रखिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। इसके बाद ये दोनों रिलेशन सब भी आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं पहला क्या है आपका, साइन थीटा, ठीक है। आप करना है साइन थीटा क्या है, ये साइन थीटा है, ये थीटा है, तो हम लोग को ये एंगल निकालना है। क्या बताए थे, ट्रिग्नोमेट्री है, वर्ड से सुनिए, देखिए ट्राइगोनोमेट्रिक, दो टर्म है इसमें, एक है ट्राइगो, इस मतलब होता है तीन, ठीक है, और मेट्रिक मतलब होता है कोण या भुजा का माप, ठीक है, माप। तक जो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंगल निकालेंगे, ठीक है, कोण निकालेंगे, वो क्या होगा, भुजा का रेशियो होगा। तो जो साइन थीटा होता है ये होता है आपका लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। तो देखिए इस फिगर से देखिएगा, लंब कितना है पी, बट्टा कर्ण कितना है एच। तो अब इसे फार्मूला याद रखिएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, लंब बट्टा कर्ण या पी बट्टा एच। दूसरा आपका क्या था रेशियो, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका आधार, ठीक है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। देखिए आधार कितना है यहाँ पे, बी है, आधार कितना था यहाँ पे, बी, बट्टा कर्ण कितना है आपका, एच है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच। तब इसे फार्मूला याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर होगा आपका लंब बट्टा आधार, ठीक है, और आपका कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, मतलब साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। अब ये क्या बताया आपको, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा ये होता है आपका साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा कितना है, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, और आपका कॉस थीटा क्या है, आधार बट्टा कर्ण, ठीक। इसको सिंपलीफाई करिएगा तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये लंब बट्टा आधार। तो अभी से याद रखिएगा टेन थीटा क्या होगा, लंब बट्टा आधार, ये लंब कितना है यहाँ पे पी और आधार कितना है पी, तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अभी से याद रखिएगा टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा होगा आपका लंब बट्टा आधार। तो तीन फार्मूला आप याद रखिए पहले, तीन रेशियो,
इसी चीज को हम लोग, ये दोनों क्या है, भुजा का रेशियो है, ठीक है। तो लिखिएगा साइन थीटा, अब इसे याद रिकॉल करिए, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, मतलब साइन थीटा लंबा टक्कर, कॉस थीटा आधार बटा कट, टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका लंबा आधार। तो तीन आपको समझ में आ गया, आप देखिए तीन बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आप ये तीनों समझ गए तो आप तीन बहुत आसानी से समझ सकते। देखिए अभी तक क्या समझे आप, एक आप साइन थीटा समझ गए, ठीक है, दूसरा आप कॉस थीटा समझ गए, और तीसरा आपको टेन थीटा का समझ में आ गया। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है, और इसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, ठीक, और टेन थीटा क्या आया था आपका, लंब बट्टा आधार। इतना तक समझ में आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, P by H, इसको B by H, इसको P by B। इतना तक आपको समझा दिया प्रीवियस लेक्चर से। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे लेके चलते हैं, ठीक है। आपको तीन और बचा, इसके बाद कौन सा है बचा, एक है cot theta, ठीक है, एक है sec theta, और एक है आपका cosec theta, ठीक। देखिए प्रीवियस वीडियो में देखिए ये तीनों हम आपको बता दिए, tan theta, cos theta हो गया, साइन थीटा हो गया, और टेन थीटा हो गया। कॉट थीटा क्या है, देखिए वो कॉट थीटा बराबर क्या है, वन बट्टा टेन थीटा, टेन थीटा को उल्टा होगा। सेक थीटा क्या है, वन बट्टा कॉस थीटा का उल्टा। सेक थीटा कॉसेक थीटा क्या है, वन बट्टा साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का उल्टा कर दीजिएगा तो वही क्या बनेगा, कॉसेक थीटा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे आप क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, वन बाई टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। देखिए टेन थीटा कितना है, आधार बट्टा लंब बट्टा आधार। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बट्टा, आधार बट्टा लंब, ठीक है। इसका टेन थीटा को उल्टा हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी बाई पी। वैसे ही सिमिलरली सेक थीटा क्या होगा, वन बट्टा कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है आपका आधार बट्टा कर्ण, तो ये क्या आ जाएगा, उल्टा कर दीजिए, कर्ण बट्टा आधार, ठीक है, आधार। तो कर्ण कितना है h, और आधार कितना है b। वैसे ही sec cosec थीटा क्या हो जाएगा, वन बट्टा साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना है, ये हो जाएगा आपका कर्ण बट्टा लंब, ठीक है, कर्ण बट्टा लंब। कर्ण कितना था h, और लंब कितना था p। तो आपको हो गया 6 का 6। अभी से ये 6 का 6 याद रखिएगा, तीन ये हो गया और तीन ये हो गया, टोटल 6 होता है। यही है 6 रेशियो, जो आपको रेशियो के बारे में पढ़ना था हेडिंग में, आपको यही 6 रेशियो पढ़ना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा होता है आपका पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा होता है बी बाई पी, सेक थीटा होता है बी बाई एच, कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी। तो इतना याद रहेगा, तो पहला टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया, और ये समझ गए, तो यही हम लोग को 6 फंक्शन पढ़ना था। अगला आप चलते हैं आइडेंटिटी पे, ठीक है। सेकंड टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सेकंड टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। इसके बारे में बात है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोण, त्रिकोण मितीय सर्वसीय, ठीक है, इसको समझते हैं क्या है। देखिए आपको क्या बताए थे, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बता दिए थे, यही था आपका ट्रायंगल, ठीक है, ये कोण था आपका थीटा, और ये एंगल कितना था 90 डिग्री। तो इतना याद रखिएगा। इसके बाद ये था ए बी सी, ये था आपका बी, ये एच और ये बी, ठीक है, इतना लिंक दिया हुआ था। देखिए कॉस थीटा कितना, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, पहले साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा आपका कितना आया था, पी वाई एच, ठीक है, और कॉस थीटा कितना आया था आपका,
डी वाई एच। देखिए हम चाह रहे हैं, एक वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, देखिए साइन थीटा कितना है पी बाई एच, तो यहाँ पे रख दीजिएगा पी बाई एच, प्लस कॉस थीटा कितना है पी बाय एच, पी बाय एच का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करिएगा तो क्या निकल के आएगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा दोनों में एच स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे रुकिए एक सेकेंड, आपको पीछे एक चीज दिखाई थी आपको पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ से देखिए इस रूल को, इसको क्या रिलेशन लाए थे कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये इसी रूल को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये एच स्क्वायर के बराबर, एच स्क्वायर आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा वन। तभी से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा, कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा वन, ये एक रिलेशन याद रखिएगा, पहला रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया। आप देखते हैं दूसरा रिलेशन, एक और चीज़ हम निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं, तो पहले समझ लीजिए सेक थीटा क्या था, वन बट्टा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा एच बाई बी। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पीछे से वीडियो देख लीजिए, वीडियो में अच्छे से बता दिए कि किस तरह से निकालते हैं। दूसरा है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, ये होता है आपका पी बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिए दोनों वैल्यू डाल दीजिए, डालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा की जगह पे आप डालिएगा एच बाई बी का स्क्वायर प्लस टेन थीटा की जगह पे क्या डालिएगा आप पी बाई बी का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करिएगा क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ये माइनस है बीच में प्लस कैसे हो गया, इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोनों में एलसीएम सेम है, दोनों में एलसीएम कितना है बी स्क्वायर, ऊपर में कितना आ जाएगा ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ये रिलेशन बताया आपको क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हैं बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर के बराबर, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना हो गया जाएगा ये वन। डैट मीन्स हुआ दूसरा फार्मूला भी से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा वन, तो आपको ये दूसरा फार्मूला याद रखना है। ठीक है, ये सेकेंड हो गया। एक और हम लोग चाहते हैं निकालने के लिए, ये चाह रहे हैं कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस थीटा कॉसिक थीटा क्या होगा, तो बताए थे वन बाई साइन थीटा होता है, तो वन बाई साइन थीटा मीन्स क्या हुआ, साइन थीटा होता है आपका पी बाई एच। ठीक है, तो कॉसिक थीटा क्या आ जाएगा एच बाई पी। ठीक है, उसी तरह कॉट थीटा क्या होता है, ये वन बाई टेन थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा बी बाई। अगर जिसको ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे से वीडियो देख लीजिए, स्टार्टिंग से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम ये ऐसे कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दीजिए ये कितना आ जाएगा एच बाई पी का स्क्वायर माइनस बी बाई पी का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा क्या आ जाएगा, ये कैलकुलेट करने से कितना आ जाएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। देखिए दोनों में एलसीएम सेम है कि नहीं, दोनों में एलसीएम कितना है पी स्क्वायर, दोनों का एलसीएम कितना होगा पी स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा ये एच स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब ये क्या रिलेशन बताया आपको,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर के बराबर। यहाँ से पी स्क्वायर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये पी स्क्वायर के बराबर। तो पी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। डैट मीन्स हुआ, अभी से ये भी फार्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया आपका, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वन। तो अभी तक हम लोग क्या समझे, ये तीसरा आइडेंटिटी, ठीक है, यही तीन आइडेंटिटी हम लोग को पढ़ना था, ठीक है। तो अभी तक देखिए क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, उसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए पहला हम लोग पढ़े कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटा कर, मतलब लंब बाय कर, एक ये पढ़ लिए हम लोग। दूसरा होता है कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है आधार बटा कर, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े टेन थीटा क्या होता है, ये होता है लंब बटा आधार, ये क्या होगा लंब बाय आधार, आधार, ठीक है। और बाकी तीन जो था आपका कॉट, ये हो जाएगा वन बट्टा टेन। इसके बाद था कॉसेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा वन बाय कॉस थीटा। और लास्ट में था आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा, लास्ट में था आपका कॉसेक थीटा होता है वन बाय साइन थीटा। पहले हम लोग इतना जाने, ठीक है। इसके बाद रिलेशन, तीन रिलेशन हम लोग पढ़ लिए। पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, वन। दूसरा था आपका रिलेशन कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट टेन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या होगा, टेन होगा यहाँ पे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। और तीसरा रिलेशन था आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो आपको ये बातें याद रखनी है, तीन ये हो गया आपका और छः इधर से, ठीक है। तो ये छः चीज़ आपको, ये दो पार्ट आपका खत्म हो गया, एक था रेशियो और दूसरा था आपका आइडेंटिटीज में क्या है। इसके बाद आता है रिलेशन, कि हम लोग का आपस में रिलेशंस क्या है। देखिए रिलेशन से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते जितना पढ़े हैं उस टॉपिक पे, ताकि हम लोग को ये पता चल जाए कितना हम लोग को समझ में आया, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स करते हैं, एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, कि क्वेश्चंस इस तरह से है, ध्यान से देखिए। कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर है आपका ए, ठीक है। तब पूछ रहा है कॉस एक्स का वैल्यू कितना होगा, कि अगर कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर ए दे दिया है, तब पूछ रहा है हम लोगों से कि कॉस एक्स का वैल्यू कितना होनी चाहिए, कैसे सोल्व करिएगा। देखिए हम लोग को अभी यह एक रिलेशन आपको बताया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक्स क्या होता है, एक्स है यहाँ पे, ये होता है वन के बराबर, ठीक है। तो ध्यान, ये फॉर्मूला यूज करिए, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ यूज कर दीजिए। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कुछ नहीं किए, दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इस फॉर्मूला पे बैठा दिए, बराबर कितना है, वन है। अब देखिए गिवेन क्या है, दिया हुआ क्या है, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर ए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू
ए गिवेन है बराबर कितना आ जाएगा वन, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर कितना आ जाएगा वन बाई ए। ये इक्वेशंस आपका है फर्स्ट, और ये इक्वेशंस क्या आ गया आपका सेकंड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। आप ये पढ़ाए हैं कि कॉट कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या है वन, तो इसको हम लोग तोड़ दिए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर एक है, ए माइनस बी यहाँ पे रह जाएगा और ए प्लस बी मतलब कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर गिवेन था यहाँ पे, ए यहाँ रख दिए, यहाँ से निकाल लिए। तो आप क्या आपके पास आप दो इक्वेशंस है, इसको सॉल्यूशंस करना है, कैसे करिएगा देखिए। पहला इक्वेशंस कितना है कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर ए, और दूसरा इक्वेशंस क्या है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर वन बाई ए। दोनों को ऐड कर दीजिए इक्वेशंस को, तो क्या आ जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा टू कॉसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस वन बाई ए। ठीक है, इसको और सिंपल फाइल लिखिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक एक्स बराबर क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस वन बाई टू ए। ठीक है, अभी तक हम लोग को निकला है कॉसेक एक्स, बट हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए था कॉस एक्स। कैसे निकालिएगा अब देखिए, क्या निकाल लिए हम लोग कॉसेक एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस वन बाई टू ए। ठीक है, लेकिन हम लोग को चाहिए कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होता है आपको बताए थे बी बाई एच मतलब आधार बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, और जबकि कॉसेक एक्स क्या होता है कॉसेक एक्स होता है आपका एच बाई पी, दैट मीन्स हुआ कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, तो यही एच बाई पी इक्वल टू कितना दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस वन बट्टा टू ए, डैट मीन्स क्या हुआ एच का वैल्यू गिवेन है ए स्क्वायर प्लस वन और पी गिवेन है कितना टू ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बी निकाल सकते हैं रिलेशन से, क्या रिलेशन पाइथागोरस प्रमेय से क्या रिलेशन था बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए एच स्क्वायर के बराबर, तो बी स्क्वायर निकालना ही है, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा टू ए का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़िएगा कितना हो जाएगा ए के पावर फोर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए के पावर फोर प्लस वन प्लस टू ए स्क्वायर, और यहाँ से ये माइनस में आ जाएगा कितना फोर ए स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करिएगा तो ए के पावर फोर प्लस वन माइनस टू ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी ना ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बी कितना आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ए स्क्वायर रूट हो जाएगा तो आपका ए स्क्वायर माइनस वन। तो हम लोग को निकल गया बी, हम लोग को एच पता है और पी पता है, तो कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो बी कितना निकला आपका ए स्क्वायर माइनस वन और एच कितना है ए स्क्वायर प्लस वन, तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा जो हम लोग को निकालना था ए स्क्वायर प्लस वन। डैट मीन्स हुआ कि अगर कहीं पे क्वेश्चंस में गिवेन रहे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर ए, तो अगर आपको निकालना हो कॉस एक्स तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस वन बट्टा ए स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, कंटिन्यू हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।